नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ फिटनेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, चना जो है हम दौड़ लगाने से पहले चबाएं खाएं या दौड़ लगाने के बाद खाएं। आज दोस्तों इसमें मैं आपको हम बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम बात करते हैं चने की, तो दोस्तों देखो अपनी शारीरिक क्षमता होती है, सबका अपना अलग अलग अनुभव होता है। अगर हम बात करें दोस्तों हम किस तरह से करते हैं, तो हमारा एक अनुभव है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप इसी तरह से करिए, लेकिन जो हम जिस तरह से कर रहे हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों उठने के बाद, सुबह उठने के बाद इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठने के बाद ज़्यादा नहीं, आप दो मुट्ठी चना, दो मुट्ठी, एक मुट्ठी जितनी आप खा सकते हैं। शुरुआत में आप एक मुट्ठी ले लीजिए भर के, एक मुट्ठी। तो एक मुट्ठी लेने के बाद आप जो है उसको चबाएं। चबाने के बाद आप सुबह उठ जाएं, जितना बजे उठते हैं 4 बजे 5 बजे, इसको एक मुट्ठी चबा लें। चबाने के बाद पेट भर पानी पिएं। पेट भर पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने जाइए। उससे क्या आपका पेट बहुत तेज़ी से बहुत बढ़िया साफ होगा। चने का तासीर गर्म होता है, इससे क्या आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो पेट साफ होने के बाद आप लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट करिए। उसके बाद आप जाइए रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, तो क्या आपको एनर्जी बनी रहेगी। कुछ लोग की क्या है कि एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी डाउन हो जाता है तो दिक्कत होता है, तो ऐसा समस्या होता है। उससे पेट बहुत बढ़िया साफ होगा आपको। जो लोग देह पेट नहीं साफ होता, तम्बाकू घिसो, गुटखा घिसो, तरह तरह का नशा करते हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं करना है। नशा किए तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, वहीं से आपका रुकावट शुरू हो जाता है। नशा जहाँ से कर रहे हैं वहीं समझो कि बॉडी आपकी कमज़ोर होने लगेगी। तो इसी तरह से आप जो है चना को सुबह में खा सकते हैं। अगर आप नशा नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो इसको चबाने के बाद सिर्फ एक मुट्ठी चबाइए, पानी पी लिए पेट भर, फिर देखिए पेट बहुत बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर 15 से 20 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद आप रनिंग में जाइए, एक्सरसाइज करिए, बहुत बढ़िया एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग को देखने को मिलता है कि एक्सरसाइज करने के बाद खाते हैं, तो वो भी बढ़िया है। जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, शारीरिक कैपेसिटी हो, या जिससे कमजोरी महसूस होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो सुबह में ऐसा करके रनिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसी तरह दोस्तों हम भी करते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो है आएँ आप चना चबाएँ, आराम से रहिए। चना चबाने के बाद आप दूध पीजिए, उससे भी आपको बढ़िया प्रोटीन और विटामिन मिलेगा, शरीर हिस्ट पुष्ट रहेगी, शरीर बढ़िया बनेगी आपकी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।